नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला के शेखा रोड गली नंबर 1 में लुटेरे महिला की हत्या कर हुए फरार, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम जांच में जुटी। आदमपुर पुलिस ने 4 खतरनाक भगोड़े गैंगस्टर्स को किया काबू, 3 पिस्तौल, 32 बोर, 13 जिंदा रोंद किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला में बुधवार दोपहर को शेखा रोड गली नंबर 1 में उस समय हंगामा मच गया जब मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश घर में मौजूद अकेली महिला से लूटपाट कर उसकी हत्या कर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही शहर में दहशत का माहौल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय मंजू सिंगला अपने घर में अकेली थी, तभी 1:08 पर गली नंबर 3 की तरफ से मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आए। दोनों लड़के करीब 20 मिनट तक घर के अंदर रहे और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपना चेहरा ढककर निकल गए। लुटेरों की ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दोपहर को जब मंजू की बेटी कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश होकर पड़ी है, जिससे वह अपनी सुध-बुध खो बैठी और रोने लगी। जब आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हुए तो उन्होंने तुरंत मंजू को इलाज के लिए सिविल अस्पताल बरनाला में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मंजू को मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलते ही एसपी डी रमनीश चौधरी, डीएसपी सिटी सतबीर बैंस, थाना सिटी 2 के इंस्पेक्टर बलवंत सिंह, थाना सदर के SHO करण शर्मा, डीएसपी डी मानवजीत सिद्धू पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। SPD रमनीश चौधरी ने बताया कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी कैमरों की मदद से लूट और हत्या करने वाले दोनों लड़कों की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस जल्द ही मोटरसाइकिल सवार दोनों लड़कों को पकड़ लेगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। शेखा रोड गली नंबर 1 बरनाला विच बहुत ही मंदभागी घटना वापरी है, जिहदे विच कि इत्थों दे वासी जसवंत राय दे घरे अज 2 अणपछाते लुटेरियां वल्लों लुट दी घटना नूं अंजाम देण लई ओह आए सी। जदों घर विच उस वारदात नूं अंजाम देण रहे सी, उस वेले जसवंत राय जी दे जिहड़े धर्म पत्नी मंजू राणी, जिन्हां दी उम्र 49 साल सी, ओह उस वेले उत्थे हाजिर सीगे। ते जो हुण तक दी तफ्तीश तों लग रहा है कि उहनां ने जिहड़े लुटेरे सी उहनां ने उहनां दे उत्ते हमला कर दित्ता। ते जदों मंजू राणी जी दी बेटी ने आ के घरे देखिया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਪੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 IPC ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। आदमपुर पुलिस ने 4 खतरनाक भगोड़े गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी मुखविंदर सिंह भुल्लर की अगुवाई में देहात पुलिस अधिकारी मनप्रीत सिंह भुल्लर के द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत SI मनप्रीत सिंह और क्राइम ब्रांच जालंधर देहात के इंस्पेक्टर पुष्प बाली ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान इन 4 खतरनाक भगोड़े गैंगस्टरों को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP जालंधर देहात मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुलवंत सिंह निवासी पांचटा, अमनप्रीत सिंह निवासी रेहाना जट्टा, सौरभ उर्फ गोरी निवासी रेहाना जट्टा सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल, 32 बोर, 13 जिंदा रोंद भी बरामद किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। आदमपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
पुलिस कमिश्नर जालंधर कुलदीप सिंह चाहल के आदेश अनुसार डिप्टी कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता की अगुवाई में टेक्निकल सेल जालंधर के इंचार्ज की ओर से दो अलग अलग लोगों के गुमशुदा मोबाइल संबंधी सांझ केंद्र में दर्ज हुई शिकायतों पर टेक्निकल सेल कार्यालय जालंधर में पहुंचने के पश्चात गुम हुए मोबाइलों को IMEI पर सर्च लगाकर लगभग 25 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन बरामद किए गए फोनों को इनके असली मालिकों के हवाले किया गया है और वहां पर मौजूद लोगों को साइबर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड संबंधी जानकारी दी गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि पिछले समय दौरान जो लोगों के आम लोगों के फोन लॉस्ट हो गए थे, जिदा कि डिग गया, वो जो साढ़े को रिपोर्टिंग होए थे, वो साढ़े जो टैक्निकल सैल आ उसकी मेहनत के नाल हेल्प के नाल जो इन्हों IMEI नंबर से होर ट्रेस करन तो बाद मोबाइल जोड़े आ ट्रेस किए गए। ट्रेस करने उपरंत यह मोबाइल अज 25 के करीब मोबाइल जो अलग अलग कंपनिया के आ वो उन्होंने बुला के अज हैंडओवर किए गए मानयोग कमिश्नर साहब वालों। जी आम जनता दे विच पुलिस दे नाल जिहड़ा वधिया तालमेल बनाउण वास्ते अज उन्होंने ब्रीफ किया गया, दस्या गया कि किसी का मोबाइल जां कोई स्नैच हुंदा जां कोई लॉस्ट हुंदा ते उह तुरंत साडे साइबर सैल टैक्निकल सैल नूं इतलाह दित्ती जावे। रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज तथा स्कूल की चेयरपर्सन सरिता खुल्लर का विशेष रूप से पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बैंड बजाकर उनका स्वागत किया गया तथा सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने उन्हें नमन वंदन किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रांगण में रंगोली भी सजाई गई। स्कूल चेयरपर्सन बनाने पर सरिता खुल्लर को शीतल विज और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने बधाई दी। मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान विजय खुल्लर तथा मैनेजमेंट कमेटी के समस्त सदस्यों द्वारा शीतल विज को स्कूल का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण करते हुए शीतल विज ने स्कूल की सराहना की तथा सभी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य बनाने की प्रेरणा दी। वहीं उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ साथ स्कूल स्टाफ के कार्यों की सराहना की और कहा कि स्कूल पूरी मेहनत और लगन से विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने में लगा हुआ है, जो सराहनीय योग्य कार्य है। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को हर संभव सहायता देते रहने का पूरा विश्वास दिया। प्रधान विजय खुल्लर ने शीतल विज सहित गणमान्यों का स्वागत किया और कहा कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है और स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे आज बड़े पदों पर तैनात हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधान विजय खुल्लर, सचिव संदीप शुक्ला, वाइस प्रधान मनोहर लाल चौधा, संयुक्त सचिव संदीप कुमार, स्कूल कोषाध्यक्ष मदन लाल अग्रवाल, स्कूल के प्रिंसिपल अबकार सिंह, स्कूल डिस्पेंसरी इंचार्ज मोना जलोटा, सुरेंद्र खुल्लर, साहिल खुल्लर, रिया खुल्लर, रियाना खुल्लर, रितु खुल्लर, मधु खुल्लर, गुलशन राय, BR कपूर, बांकेलालपुरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर नरेश गुप्ता, लखबीर सिंह लाली, रघुबीर सिंह चन्नी, परमजीत सिंह रंधावा, डॉक्टर शिखा, डॉक्टर निष्ठा, डॉक्टर वैशाली, शकुंतला, पूजा, कनु, आशा, शारदा, तनु, लक्ष्मी, कल्पना, महक, नैना, नीता सहित समूह स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड गीता मंदिर मॉडल टाउन दे एक विंग साड़ा जो कि रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गीता मंदिर के प्रांगण ची स्थित है। एक स्कूल बहुत छोटे लेवल तो असी शुरुआत की थी सी ते 2 जून 1984 नू साड़ा एक छोटा अजीज जिहड़ा रविंदर खुल्लर ये पंजाब देश की एकता ते अखंडता दे विच वास्ते अपने प्राण निछावन करता होया शहीदी पा गया। उस दे नाम दे विच वास्ते उत्ते जिहड़ा कि साढ़े सारी समुची गीता मंदिर मैनेजिंग कमेटी ने यूनैनिमसली पास किया कि इस स्कूल का नाम रविंदर खुल्लर मेमोरियल दे नाम ते रखा जाए। इस शहीद के नाम के एक स्कूल बनाया जाए जो कि ये गीता मंदिर साढ़े खुल्लर परिवार का भी पूरा सहयोग रहेगा तो वो नाल ही अपना पूरी मैनेजिंग कमेटी का साथ देगी। फिर सारे ने जिहड़ा यूनानी मसली पास करके उस वक्त पंजाब सरकार दे विच ब्रिज भूषण मेहरा जी फॉर्मर स्पीकर सी इत्थे पंजाब विधानसभा दे उन्हां दे कर कमलां दे नाल इस स्कूल का नींह पत्थर लगाया गया ते स्कूल अज
बुलंदियां ते जिहड़ा कि 5-7 बच्चों के नाल शुरू किया सी, अज उत्ते साडा 1300-1350 बच्चा स्कूल दे विच पढ़ रहा है। इहदे विच साडे प्रिंसीपल सर अवकार सिंह जी ते उहनां दे नाल समुच्चा ही साडा जिहड़ा रविंदर खुल्लर मेमोरियल स्कूल दा अपना टीचर साहबान है, सारा स्टाफ है, उन्हां दी पूरी कंट्रीब्यूशन है। बहुत वार लैवल ते बच्चों बड़ी हाई लैवल का साढ़े अच्छी जिहड़ी कि एजुकेटेड साडा स्टाफ है जिहड़े सहयोग दे नाल स्कूल चल रहा। अज उस स्कूल दे विच श्रीमती सरिता खुल्लर जो कि साढ़े अजीज़ा है उन्हूं बतौर चेयरपर्सन इत्थे बिठाने वास्ते साढ़े बहुत सत्कारयोग शहर की जानी मानी हस्ती श्री शीतल विज जी जो कि दैनिक सवेरा के चीफ एडिटर हैं, देवी तलाब मंदिर मैनेजिंग कमेटी के प्रेजिडेंट साहब हैं, उन्होंने आके अपना आशीर्वाद देंदे हुए उस बच्ची नूं बतौर चेयरपर्सन इत्थे स्कूल दे विच अज बिठा के गए हैं। असी समुची कमेटी गीता मंदिर मैनेजिंग कमेटी की तरफ तो मैं शीतल विज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, दैनिक सवेरा की सारी टीम का, हलचल की टीम का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि अपना कीमती समय निकाल के इस फंक्शन की सारी कवरेज की है। तो इन्हां शब्दों के नाल एक बार फिर मैं श्री शीतल विज जी ते उन्हां दे परिवार नूं, दैनिक सवेरा दा परिवार, उन्हां दे हलचल दा परिवार, सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा तां कि उन्होंने जिहड़ा अज बहुत कीमती समय चों अपना टाइम निकाल के ये जिहड़ा अपना साडे स्कूल की शोभा बढ़ाई है। इस स्कूल की मैनेजिंग कमेटी की तरफ तों, गीता मंदिर मैनेजिंग कमेटी की तरफ तों, इस दे नाल ही उन्होंने साडी जिहड़ी गीता मंदिर चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही है जिहदी कि मोना जलोटा साडी चेयरपर्सन है, उन्होंने भी अपना पूरा आशीर्वाद दे के डिस्पेंसरी विजिट भी उन्होंने की, स्कूल च विजिट की। तो मैं शीतल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते नाल ही उन्होंने आशीर्वाद के नाल सारी कमेटी तो एक बार फिर उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। मैं अवकाश सिंह आर के मेमोरियल रविंदर खुल्लर मेमोरियल स्कूल का प्रिंसीपल बोल रहा। अज शीतल विज जी ने साडे स्कूल चरण कमल पा के तो साडे स्कूल की शोभा बधाई, तो ये नाल साडे नवे चेयरपर्सन बने श्रीमती सरिता खुल्लर चेयरमैन नूं उन्होंने आशीर्वाद दिता, तो नाल ही साडे विजय खुल्लर जी ने, प्रधान जी ने सारे बच्चों नूं ते स्टाफ नूं धन्यवाद किया और स्कूल की तरक्की वास्ते कामना की। तो श्री शीतल विज जी ने स्कूल का निरीक्षण करते हुए देखा कि बहुत ही वधिया स्कूल बनिया, उन्होंने शाबाश दिती ते विद्यार्थियों नूं ते अध्यापकों नूं सन्मान दिता ते कहा कि तुसी ऐसे तरह जिंदगी च तरक्की करते रहो, स्कूल का नाम जिहड़ा है बड़ा बुलंदी ते पहुँचाया है, असी तुहाडे धन्नवादी हाँ। तो उन्होंने आशीर्वाद के नाल यह स्कूल होर तरक्की करेगा, धन्यवाद। अमृतसर के सुक्का तालाब मंदिर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर को बदलते समय मंदिर प्रधान बलविंदर बिल्ला की ओर से बिजली विभाग के जेई अवतार सिंह और एसडीओ सुधीर कुमार को सरकारी काम करने से रोकने और धमकाने संबंधी अमृतसर के थाना बी डिवीजन के एसएचओ शिव दर्शन सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कर जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई है। इस मौके पर एडवोकेट अवतार सिंह ने बताया कि बलविंदर बिल्ला लंबे समय से वार्ड के कामों में राजनीति कर विघ्न डालता आ रहा है और अब भी मौजूदा सरकारी जगह पर लगे पुराने ट्रांसफार्मर की जगह नए लगाने के समय पर बिजली विभाग के एसडीओ और जेई के साथ विवाद किया गया, जिस संबंधी बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। इस संबंध में जब मंदिर प्रधान बलविंदर बिल्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 7 वर्ष से बंद पड़े इस ट्रांसफार्मर को जानबूझकर मंदिर के तालाब के गेट के बाहर लगाया जा रहा है, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है, इलाके को दूसरे ट्रांसफार्मर से बिजली मिल रही है, लेकिन बिजली विभाग जानबूझकर इस बंद पड़े ट्रांसफार्मर को मंदिर के तालाब वाले गेट पर लगा रहा है जो कि सरासर गलत है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करता हाँ अपने पत्रकार वीरां दा जिन्हां दे सहयोग सदके जो पिछले 7-8 साल तो ये मंदिर जो पुरातन सरोवर है उसका जो मेन लांघा जो लांघा बनाया गया है उसके उपर ये सरोवर ये ट्रांसफार्मर 7-8 साल तो बंद पिया सी, वह अज बगैर दस्या ट्रस्ट नूं बगैर इतलाह दित्या ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇਈ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ 300 KV ਦਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ ਚਾਲੂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਬੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਈ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SDO ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पटेल अस्पताल जालंधर के गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण गुप्ता की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन पंजाब प्रेस क्लब जालंधर में किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जालंधर के 2 लीवर मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट वेंकटेश्वर अस्पताल न्यू दिल्ली में सफलतापूर्वक किया गया है और अब ये दोनों मरीज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों मरीजों के रिश्तेदारों की ओर से स्वयं इच्छा से अपना लीवर डोनेट किया गया, जिस वजह से इस लीवर ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक ऑपरेट किया गया है। इस मौके पर वेंकटेश्वर अस्पताल न्यू दिल्ली के सीनियर लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशाल चौरसिया ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का लीवर पूरी तरह से खराब हो जाता है तो उसका एकमात्र उपाय लीवर ट्रांसप्लांट ही बनता है और इन दोनों मरीजों का लीवर सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे अब दोनों व्यक्ति स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लीवर उसे लीवर डिजीजेस के लिए अवेयरनेस जो होना चाहिए उसके लिए हमने ये रखा है। तो बेसिकली लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस एंड स्टेज लीवर फेलियर मेनली चार, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, चार वजह से होता है हिंदुस्तान। एक तो ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करने से, हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से, या तीसरा एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की वजह से। तो बेसिकली इन चारों ही बीमारियों से बचाव अगर संभव है तो हमें बचाव करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन अत्यधिक मात्रा में निषेध है मेडिकली। सोशल ड्रिंकिंग एक लेवल तक अलाउड की जा सकती है, लेकिन वो भी आपके बॉडी के उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसमें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं तो उससे वायरल हेपेटाइटिस बी या सी का ट्रांसमिशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और वायरल जो हेपेटाइटिस होती है वो आगे जाके लीवर को डैमेज करती है, लीवर सिरोसिस और एंड स्टेज लीवर फेलियर करवाती है। कितना कॉस्टली है जी? देखिए, लीवर फेलियर अगर किसी को हो जाए और एंड स्टेज लीवर सिरोसिस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ लीवर प्रत्यारोपण या लीवर ट्रांसप्लांट होता है। लीवर ट्रांसप्लांट का इंडिया में जो कॉस्ट है लगभग 18 से 20 लाख रुपये करीब पड़ता है, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है जो जड़ से लीवर सिरोसिस या एंड स्टेज लीवर फेलियर को ट्रीट कर सकते। तो उसी लोगों को की अपील करोगे कि तो बचा जाए? देखिए, बचाव तो हर, हम सबसे तो अपील यही हमारी है कि बचाव तो है ही, लेकिन बचाव के बावजूद भी अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो वो उससे हताश ना हो या उसे एंड ऑफ रोड ना समझें। सही समय पर अगर वो इलाज के लिए आते हैं और अगर ऑपरेशन करवाते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट से जो पेशेंट ऑलरेडी ग्रसित हो चुके हैं उनका इलाज संभव है।
अमृतसर के भाई वीर सिंह हाल में शब्द कीर्तन नाम सिमरन संस्था की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जानकारी देते हुए संस्था के सदस्यों ने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिवस गुरुपूरब जो कि आने वाली 16 सितंबर को है, उससे पहले संस्था की ओर से शहर के अलग अलग स्थानों और गुरुद्वारा साहिब में जीवन जुगत समागम की श्रृंखला चलाई जाएगी। तो वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के सदस्यों ने बताया कि इन समागमों की श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपदेश को सार्थक करना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन जुगत का अर्थ जीवन जीने की जांच है, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमें प्रदान करते हैं। इस मौके पर भाई जसबीर सिंह ने कहा कि इस समागम का शुभारंभ भाई वीर सिंह जी गुरुद्वारा लॉरेंस रोड से किया जाएगा, जहां श्री अकाल तख्त के जथेदार विशेष रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा 5 सितंबर को होने वाले सुबह के समागम में शिरोमणि कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी शिरकत करेंगे। इन समागमों में पंथ प्रसिद्ध व्यक्ति और रागी सिंह पहुंचेंगे, जो कि अलग अलग समागमों के दौरान हाजिरी लगाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तकरीबन पिछले 40 सालों तो संगतान के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैनेजर श्री दरबार साहब तीर्थ चारका दीवान और होर वक् वक् गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहयोग द्वारा यह समागम मनाया जाता है। इस समागम असी हर साल तकरीबन गुरपुरब तो एक महीना पहला जीवन जुगत समागमों की लड़ी प्रारंभ करते हैं, जो वक् वक् स्थानों से होती है। जीवन जुगत का मतलब है कि जीवन में चलाने का ढंग, सतगुरु की बाणी सानू की दर्शाती है, असी उसके मुताबिक अपने जीवन किस तरह चलाना है। उस विषय एक विषय के तहत गुरबाणी के विषय लैके उस विषय के तहत गुरु के कीर्ति कीर्तन की हाजिरी भरते हैं और उस विषय के उत्ते ही सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी सिंह साहबान कथावाचक होर भी वक् वक् स्थानों पर आ के उन्हों समागमों में हाजरियां भर के और जीवन जुगत समागम प्रति संगतों को प्रेरणा दी। जी इस साल एक गुरपुरब समागमों की जड़ी जीवन जुगत समागम है 6 अगस्त 2023 एतवार तो शुरू हो रहे हैं और पहला जो समागम है इसे महान स्थान भाई साहब भाई वीर सिंह जो निवास है हाल है यादगारी हाल है इस स्थान तो अमृत प्रारंभ हो रही है। किसान नेता सोनिया मान की ओर से अमृतसर के राजा सांसी क्षेत्र में 6 अगस्त को करवाए जा रहे श्री गुरु रामदास किसान मजदूर स्वास्थ्य मेले संबंधी जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मेले में नशा छुड़ाओ केंद्र के माहिर डॉक्टरों की ओर से नशा छुड़ाने, वर्ल्ड कैंसर सेंटर के कुलवंत सिंह धालीवाल, पंजाब सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें और पंजाबी सभ्याचार एवं संगीत को दर्शाते अखाड़े ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने संबंधी खादों और मशीनरी के स्टॉलों के साथ साथ और कई तरह के किसानों और मजदूरों को लाभ देने वाले कार्यक्रम करवाए जाएंगे, जिस संबंधी उनकी ओर से सभी किसान भाइयों को ये अपील की जाती है कि वे इस उच्च स्तरीय किसान मजदूर स्वास्थ्य मेले में पहुंचकर अपने स्वास्थ्य और खेती को और प्रफुल्लित करने एवं एक तंदुरुस्त और हरे भरे पंजाब के निर्माण में सहयोग करें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 6 तरीक नूं राजस्थान से दाणा मंडी दे विच असीं गुरु रामदास किसान मजदूर सेहत मेला रखन जा रहे हैं, जिदे विच वर्ल्ड कैंसर केयर वालों कुलवंत सिंह धालीवाल वालों फ्री कैंसर दे टेस्ट किए जाएंगे। उस तों इलावा गवर्नमेंट की सारी टीम आऊगी उदन ENT दे सारे रिलेटिड बोनस दे रिलेटिड सारे फ्री टेस्ट किए जाएंगे, नाल ही फ्री मुफ्त दवाइया भी वंडियां जाएंगियां। उस तों इलावा सन फाउंडेशन विक्रमजीत सिंह सानी वालों उन्हों का एक स्टॉल लगेगा, जिदे उत्ते जिहड़ी ड्रग्स रीहैप दे जिहड़ी उन्होंने खालसा कॉलेज के सामने सेंटर खोलिया आ फ्री उत्ते बच्चों नूं रखिया जांदा है और नाल ही टेक्निकल जिहड़ी उन्होंने सिखलाई दी जाती है उहदे बारे भी जानकारी दी जाऊगी। स्किल डिवेलपमेंट का कोर्स वो करवाते हैं बच्चों नूं ताकि उन्होंने रोज़गार मिल सके। उस तों इलावा UPL कंपनी जिहड़ी खादा की कंपनी है ऑरगैनिक फार्मिंग असी प्रमोट कर रहे हैं कुदरती खेती नूं, क्योंकि जिहड़ियां खादा ने उन्हां करके जिहड़ी कैंसर हुंदी है उहदी अवेयरनैस असी पिंडां पिंडां तक लेके गए हैं। सो UPL वालों कुदरती खादा दा स्टॉल लगेगा। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया,
जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ मंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान एडवोकेट राजकुमार एवं संजीव शर्मा से पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा धन है जो मनुष्यों का कभी पीछा नहीं छोड़ता और अंत तक साथ देता है। इसलिए अगर कोई धन एकत्रित करना है तो प्रभु नाम का करें। उन्होंने कहा कि आज मनुष्य दूसरे की धन दौलत को देखकर विचलित हो रहा है, जबकि मनुष्य के साथ धन दौलत नहीं बल्कि अच्छे कर्म ही जाएंगे। नवजीत भारद्वाज ने गत दिवस माँ बंगलामुखी धाम में आयोजित 56 भोग कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सेवादारों एवं समस्त माँ भक्तों का आभार भी व्यक्त किया एवं माँ बंगलामुखी जी के श्री चरणों में अरदास कर सभी की कुशल क्षेम मांगी। इस अवसर पर अमरेंद्र कुमार शर्मा, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, जोगिंदर सिंह, दिशांत शर्मा, बलजिंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मुनीश शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, बाबा जोशी, पंकज मानव शर्मा, नवदीप, अजीत कुमार, संजीव सावरिया, जसप्रीत सिंह, अभिषेक भनोट, सुमित, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, संजय, बाबा हलचल, विनोद खन्ना, अशोक शर्मा, कुमार गौरव, प्रिंस राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, इकबाल, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ॐ विश्वारदेव सुतानि परासवाय बुधं तनुवासवा स्वाहा। 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 ॐ ठिकाना बगला मुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगला मुखी जी। अज मां बगला मुखी ताम गुरमोर सिटी च महामाई के निमित्त दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिहड़ा सप्ताहिक हुंदा है। सवेरे 6 बजे तो 8 बजे तक निरंतर हवन यज्ञ चलिया और दूरों दूरों आई संगतां ने महामाई के निमित्त इस हवन यज्ञ च आहुतियां डालियां और अपने जिहड़े भाव है महामाई के चरणों च अर्पित किए और माँ तो जिहड़ियां अपनियां फरियादां दुआवां मंगियां। महामाई अपने भगतों के उत्ते ऐदां ही मेहर भरिया हथ रखे, शरीरक निरोगता दे, घर परिवार सुख शांति दे। इस दे नाल नाल जिहड़ा 56 भोग गत दिवस 30 जिहड़ा जुलाई नूं होया रविवार नूं, उहदे लई जिहड़े जिहड़े भगत माँ दे दरबार ते आ के नतमस्तक होए, जिन्हां जिन्हां ने भोग प्रसाद महामाई नूं लगाए, उहनां दा मैं धन्नवाद करदा और महामाई दे चरणां च इह कामना करदा कि इह जगदंबा जिहड़ा जिस भाव दे नाल बच्चा तुहाडे दरबार ते आ के भोग लगा के गया, उहदे भाव संपूर्ण करो, अपना मेहर भरिया हथ रखो। फिर एक बार तो अपने सेवादारां वल्लों अपने वल्लों जे कोई त्रुटि रह गई होवे उस दिन दे प्रोग्राम च या किसी नूं कोई कष्ट होया होवे उहदे लई करवद प्रार्थना ते माफ़ी है। संपूर्ण मीडिया दा वैब पोर्टल, वैब चैनल्स, हर तरह के जिहड़े भी न्यूज़ चैनल है और सारियां जिन्नियां भी अखबार हैं उन्हां दा मैं धन्नवाद करदा और आशा करदा इदां ही तुहाडा सहयोग मिलता रहेगा। जकारा बगला मुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की। इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे का समापन हो गया है। यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस भंडारे के अंतिम दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लंगर भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस मौके पर भगवान दास ने 40 दिनों तक चले इस भंडारे में सहयोग देने वाले सभी साथियों एवं पत्रकार भाईचारे का आभार भी व्यक्त किया।
इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ है श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत संजय गांधी नगर स्थित पूर्व पार्षद ऋषा सैनी के घर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए वापस पूर्व पार्षद ऋषा सैनी के निवास स्थान पर आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दोमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। समस्त कार्य हेतु मंगल कार्य हेतु अमंगल हरण हेतु हे पितांबरि शरणागते सर्व कार्य सिद्धि करोति नमस्तु नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाजं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाजं मुखं पदं स्तंभे जीवा किल किल बुद्धि विनाशे स्वाहा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया।
इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। इच्छा डारिए हत्या रे कहे मुख राम इच्छा डारिए हत्या रे सुनि अभिमान नाम धाम में बुलाए दियो दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारो भई द्विज सवा कहीं बोल के पठाए कैसे भई द्विज सवा कहीं बोल के पठाए कैसे आप कैसे आयो पाप संग जे ये न्यारे तो होती तुम बाजो ये भाव नहीं साचो मती काचो दूर करे अंधे यारे को आताते मती काचो दूर करे अंधे यारे को गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का पावन चरित्र आप हम सब ने पूज्य श्री अरे जी भक्तमाल जी महाराज जी जिनको भक्तमाल की कथा परंपरा सिद्ध भी है हमारे परम पूज्य पर आदरणीय लोक पीठाधीश्वर महाराज जी के सत्य सतगुरुदेव श्री भक्तमाल जी वैष्णव रत्न सतीर्थ लोकवासी श्री गणेश दास महाराज जी जिन्होंने वैष्णव जगत की बहुत बड़ी सेवा करी है जिनके मुख से श्री भक्तमाल के दिव्य भवन को लाखों लाखों भक्तों ने वैष्णव ने श्रवण किया है जब कोई परंपरा से भाग मिलता है तो उसका भाग ही सुंदर होता है बहुत भाव नहीं कथा विशेषता ये है कि आज प्राय हमारे मंत्रियों से कथा को छोड़ करके ऐसे भावों को कहा जाता है जो गले से भी नहीं सकते हैं जिनका कोई उनके साथ मेल ही नहीं होता। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला के शेखा रोड गली नंबर 1 में लुटेरे महिला की हत्या कर हुए फरार फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम जांच में जुटी। आदमपुर पुलिस ने 4 खतरनाक भगोड़े गैंगस्टर्स को किया काबू 3 पिस्तौल 32 बोर 13 जिंदा रोंद किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।